नमस्कार। नमस्कार। नारी सप्तक श्रेणी के आज तीसरे दिन में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच एक विद्वान और सौम्य समाज सेविका उपस्थित हैं, जिन्हें सुनकर हमें विचार मंथन की एक नई दिशा मिलने वाली है। मैं आज पद्मश्री श्रीमती निवेदिता भिड़े जी का डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हमारे कार्य को हमेशा प्रेरणा देने वाली हमारी अपनी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मैडम आदरणीय प्रोफेसर अमी उपाध्याय जी उपस्थित हैं। मैं तहे दिल से मैडम आपका भी स्वागत करती हूँ। बात शुरू करने के पहले सबसे पहले आज हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से थोड़ी सी माफी चाहेंगे, क्योंकि हम थोड़ी सी देरी तकनीकी बाबत की वजह से हुई है। पर हम शुरू करने से पहले आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की प्रवेश प्रक्रिया शुरू है। हमारी यूनिवर्सिटी पूरे गुजरात राज्य के अलग अलग कोने के सभी विद्यार्थियों को आकर्षित करती है। निवेदिता जी, आपको खास हम बताएं कि हम गुजरात में स्टडी इन गुजरात का कैंपेन आदरणीय प्रोफेसर अमी उपाध्याय मैम के इनिशिएटिव से जो गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है उसको बहुत अच्छी तरह से हाथ में लिया है। और इस विपदा के समय में हम हर एक विद्यार्थी या हर एक व्यक्ति जो इच्छा रखते हैं कुछ नया देने की, उनके लिए काफी सारे अभ्यासक्रम को लेके हम आगे आए हैं और बहुत सारे सर्टिफिकेट डिप्लोमा रेगुलर डिग्री कोर्सेज भी हमारी यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं उनको वापस एक बार बता दें कि स्टडी मटेरियल भी आपका वेबसाइट अपलोडेड है और असाइनमेंट भी अपलोडेड है। आप लोग यूनिवर्सिटी के हर एक वांचन के मटेरियल का और आपके असाइनमेंट का पूरा पूरा लाभ उठाएं। हमारा मॉडल लर्नर सपोर्ट सेंटर, स्टडी स्पेशल लर्नर सपोर्ट सेंटर दोनों भी कार्यरत है इस टाइम पे। और आम्बेडकर यूनिवर्सिटी हमेशा कुछ नए इनिशिएटिव के साथ इस समय में भी लोगों के साथ जुड़ी रहती है। आज की श्रेणी शुरू करने से पहले आइए हम निवेदिता दीदी की जीवन यात्रा को जानते हैं। निवेदिता रघुनाथ भिड़े जी एक लाइफ वर्कर, पूर्णकालीन सेविका है विवेकानंद केंद्र की कन्याकुमारी, 1977 से कन्याकुमारी से उन्होंने काफी सारे तालीम वर्क चलाने के इंचार्ज भी है। वो जैसे कि लाइफ वर्कर्स हैं और जो टीचर्स हैं जो केंद्र के साथ जुड़े हैं वो उनको तालीम देती हैं। वो इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, हमने से काफी कम लोगों ने ऐसा वो इंस्टीट्यूट भी सुना होगा, ऐसा एक इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर है जिनके साथ आप जुड़ी हैं और उनको उनको सेवाएं देती हैं। एंड आप योगा कैंप की रेगुलर फैकल्टी हैं। आपने 15 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में काफी पेपर सबमिट किए हैं। आप मेंबर हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एसोसिएशन। शी इज गाइडेड मोर देन 17 सेमिनार्स ऑफ जनजातीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। निवेदिता दीदी जी ने पद्मश्री अवार्ड भारत सरकार की ओर से 2017 ने शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शैक्षणिक महासंघ का अवार्ड भी प्राप्त किया है 2019 में। वंदनीय सरस्वती ताई आपते अवार्ड फ्रॉम भारतीय जीवन विकास परिषद थाने 2005 में आपको प्राप्त हुआ है, जो सस्टेन वर्किंग सोसाइटी के लिए आपको मिला है। आपको आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद पाकर और साक्षात आपके आशीर्वचन पाने के लिए हम सब बहुत उत्सुक है। लेकिन उसके पहले मैं विनंती करूंगी हमारी आदरणीय प्रोफेसर अमी उपाध्याय जी को कि आज के श्रेणी के विषय के बारे में हमें दो बातें बताएं। हमें स्वागत है आपके साथ, आपके विचारों का और आपके अंदर एक जो सत्व है, स्पिरिट है, उनका भी स्वागत है। आज निवेदिता दीदी हमारे साथ जिस विषय में बात करने जा रही है, वुमनहुड इन द कंटेक्स्ट ऑफ धर्म, धर्म के परिपेक्ष में नारीत्व। हम जब वुमनहुड की बात करते हैं तो अलग अलग धर्म से और हिंदुइज्म से जोड़ के काफी इंटरप्रिटेशंस करते हैं, तो आज दीदी खास करके ये बात करने आई है। दीदी, जब हम सोचते थे कि नारी सप्तक श्रेणी क्यों, तो एक हमारा ध्येय ये था कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी रियली विश टू एम्पावर विमेन। स्त्री में दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, अंदर उनके अंदर एक बहुत बड़ा सत्व संभावनाएं हैं, वो
बस उसको कहीं प्लेटफॉर्म मिल जाए तो यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत संतुष्ट रहेगी। ज्यादा स्त्री हमारे साथ जुड़े, एजुकेशन ले और शिक्षण के माध्यम से वो समाज में अपना प्रदान कायम करे। आज हम जैसी काफी पढ़ी लिखी विमेन है, स्त्री है जो यहाँ तक पहुंची है, समाज से पाकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब हमारा उत्तरदायित्व है कि हम समाज को वापस दें। किस स्वरूप में वापस दें? अगर हम किसी और स्त्री नारी को कुछ आगे बढ़ाकर ला सकते हैं तो हमारी यात्रा सफल रहेगी। काफी समय ऐसा होता है कि ये पद्मश्री पद्म विभूषण सबको देखते हैं तो सामान्य जो नारी जन उनके मन में ये विचार आता है कि वो बहुत नसीब वाले लोग हैं जो वहां तक पहुंच गए, लेकिन इस नसीब के पीछे काफी बड़ा संघर्ष होता है। वो संघर्ष सभी सामान्य स्त्री करती है। तो जब आप ऐसे सफल स्त्री के संघर्ष के बारे में काफी नारी स्त्री जानेगी तो पहला उन्हें पता चलेगा कि नहीं, संघर्ष के बाद पहुंचना, जीवन जब उद्देश्य के साथ आगे चलता है तो संघर्ष होता है, लेकिन उद्देश्य के जब सामने हमारी जब नजर टिकी होती है तो संघर्ष डाइल्यूट हो जाते हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब किसी अच्छे से घर में ब्रिंगिंग अप अलग से होता है, अलग वैचारिक विश्व घर में बिठाया जाता है, खड़ा किया जाता है, तब लड़कियां अलग स्त्री बनती है। तो आज काफी माता पिता देख रहे हैं तो स्त्री को घर में जो बेटी बड़ी हो रही है कैसा वातावरण देना चाहिए, कैसे विचार देने चाहिए, ये हम जानना चाहते हैं। आज जब आपको देखते हैं, मैं सब आज जो व्यूअर्स उनको बताना चाहूंगी कि दीदी स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को उन्हें सिर्फ प्रचार प्रसार नहीं किया है, उन्होंने वो जिया है। दरिद्र नारायण की संकल्पना को वो जी के आई है। जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो बच्चों से ये नहीं पूछती कि आपको मैथ्स या इंग्लिश या साइंस आता है, वो कंसर्न उसकी पहली कंसर्न है बच्चे को आज घर में खाना मिला है या नहीं मिला है। जब ये सोशल कंसर्न की यहां से शुरू होती है यात्रा, तब जाके वो यात्रा पद्मश्री तक या निवेदिता दीदी तक पहुंचती है। आज दीदी को देख के मुझे एक शेर पंक्ति याद आ रही है, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। मुझे लगता है यही यात्रा दीदी की रही। दीदी आपसे विनंती है कि वुमनहुड इन द कंटेक्स्ट ऑफ धर्म आप बात करें, आपसे विनंती है कि कुछ बात अपने आज जब आप एक स्त्री लड़की होके ये यात्रा की पूरे विश्व के कोने कोने में पहुंची तो संघर्ष रहा होगा, उस संघर्ष के बारे में बात करें और आज जो आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको एक आप अपना संदेश दे। फिर से आपका आपके विचारों का हमारी यूनिवर्सिटी में हृदय पूर्वक स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर अमी उपाध्याय जी, डॉक्टर आभाजी शुक्ला और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के सारे फैकल्टी मेंबर्स और सारे श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमी जी से दो तीन बार मिली हूँ और जिस प्रकार की लगन से यूनिवर्सिटी में वो और उनके सारे कलीग करना चाहते हैं तो इसीलिए मुझे इसके ऊपर बड़ा गर्व भी है और आनंद भी है। इसीलिए जब उन्होंने पूछा तब मैंने तुरंत हाँ बोला, क्योंकि जहाँ सिर्फ कुछ करने के लिए नहीं कर रहे तो कोई हेतु है और हम सच में अपने समाज में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, अपने राष्ट्र का पुनरुत्थान चाहते हैं, तो इस आंतरिक इच्छा से इस कार्यक्रम को जो आयोजित किया है तो उसमें सहभागी होना ये मेरे लिए भी एक आनंद की और अभिमान की बात है। आज जो विषय लिया है वो विषय वैसे बहुत बड़ा है, क्योंकि वैचारिक दृष्टि से देखा जाए तो विचार एकदम थोड़े अलग परिप्रेक्ष्य में हम देखने वाले हैं, लेकिन अपना जो उपलब्ध समय है उस समय के परिसीमा में कुछ बिंदुओं को लेने का प्रयास मैं करूंगी जैसे कि आदरणीय आमी जी ने पहले ही बताया कि धर्म यानी हम समझते हैं रिलीजन, तो ऐसा धर्म यानी रिलीजन नहीं है। धर्म क्या है? ये एक जीवन दर्शन पर आधारित मनुष्य ने जीवन में व्यवहार करने की पद्धति है
और वो जीवन दर्शन क्या है। तो यह जो पूरा विश्व है, आज इसको विज्ञान भी मानता है, पर्यावरण मानता है, यह जो पूरा विश्व जो है वो परस्पर जुड़ा हुआ, परस्पर संबंधित और परस्परावलंबी है। यानी मैं इस सृष्टि का अंग हूं, मैं राष्ट्र का अंग हूं, मैं मेरे समाज का अंग हूं, मैं मेरे परिवार का अंग हूं। जब मैं कहती हूं मैं इनका अंग हूं, यानी ही मेरा विस्तारित स्वरूप मेरा परिवार है, मेरा और विस्तारित स्वरूप मेरा समाज है, मेरा और विस्तारित स्वरूप ये राष्ट्र है और सृष्टि है। तो ये सारे मुझसे अलग नहीं है, तो मेरे ही विस्तारित स्वरूप है। इसलिए जैसे हम स्वयं के लिए बिना कोई कुछ बताए हुए काम करते हैं, मैं रोज नहाती हूँ, खाना खाती हूँ, मेरे मन को शांत रखने के लिए जो करना मेरी इच्छा होती है वो करती हूँ, इसके लिए किसी ने बताना नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार मेरा परिवार जो मेरा विस्तृत स्वरूप है, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र और ये सृष्टि, इसके प्रति भी उस आत्मीयता से जो मैं सहज होते हुए मैंने जो करना चाहिए उसकी समरसता के लिए, उसके आनंद के लिए, उसके समृद्धि के लिए, वही धर्म है। यानी धर्म यानी ये रिलीजन से या उपासना से संबंधित नहीं है। अभी मेरा जो आत्मस्वरूप है वो ईश्वर है, उस ईश्वर को मैं किसी रूप में देखना चाहती हूँ और उसके साथ जुड़ने के लिए मैं किसी इष्ट देवता को स्वीकारती हूँ, तो फिर वहां उपासना का अंग आता है और वो हर एक का अपना स्वतंत्र है। लेकिन ओवरऑल सब जगह यदि हम देखते हैं तो धर्म का अर्थ, धर्म में तीन कॉम्पोनेंट्स है। एक जो है वह है आत्मीयता पर आधारित व्यवहार और सबके प्रति मेरा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को पूरा करना, और तीसरा जो है कि यानी उसी में आत्मीयता पर आधारित यानी जैसे मैं लोगों से अपेक्षा करती हूँ कुल लोगों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो ये लोग कोई दूसरे नहीं है, ये मुझसे ही जुड़े हुए हैं, ये मेरा ही विस्तारित स्वरूप है, इसीलिए जो मैं चाहती हूँ वैसा ही व्यवहार मैंने करना। मुझे किसी ने धोखा देना, किसी ने अपमान करना, किसी ने दुख पहुंचाना अच्छा नहीं लगता है, मेरा भी व्यवहार सबके साथ वैसा ही रहना है। तो यह हो गया पहला अंग यह व्यवहार को लेकर। दूसरा जो अंग है वह ऐसा है कि जैसा अभी मेरा कर्तव्य है, मेरे जो विस्तारित स्वरूप है यानी मेरा मेरे प्रति तो है ही, मेरा मेरे परिवार के प्रति है, समाज के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है, तो समझिए कि मेरा जो मेरे परिवार के प्रति कर्तव्य है और मेरा जो मेरे समाज के प्रति कर्तव्य है या राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, इन दो कर्तव्यों के हित में संघर्ष होता है तो फिर मैंने क्या करना। तो इसमें धर्म का जो दूसरा अंग है वो आता है कि जो बड़ी समष्टि है उसके हित में मैंने छोटे समष्टि के हित को छोड़ देना है। यानी वो संघर्ष यदि आता है तो फिर मैंने बड़े समष्टि के हित के लिए मैंने निर्णय लेना है। और तीसरा जो है कि ऐसे निर्णय लेते समय हमने स्वयं कष्ट उठाने हैं, उसकी तैयारी रखनी है। यानी त्याग के बिना इस जीवन में अमृतत्व यानी ही इन सारे समष्टियों का आनंद हमें प्राप्त नहीं होता है। हम कहते हैं ना त्यागे न एके अमृतत्व मानसु। तो ये है धर्म की अवधारणा या धर्म परिपालन के नियम, उसके ये जो तीन अंग हमने देखे। अभी जब हम देखते हैं नारीत्व या स्त्री या पुरुष, तो हमारा जीवन दर्शन ही एकात्म होने के कारण हम ये जो जेंडर इशू है ये हम एडवर्सरियल इशू नहीं करते हैं। यानी स्त्री के खिलाफ पुरुष ऐसा हम इसको नहीं देखते हैं, तो यह कॉम्प्लीमेंट्री भाव से देखते हैं। यानी दोनों परस्पर पूरक है, स्त्री और पुरुष ये दोनों के जो विशेष गुण है, दोनों की जो विशेषता है, ये दोनों ही परिवार के संवर्धन के लिए, समाज की धारणा के लिए, राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए, पर्यावरण के रक्षण के लिए, ये दोनों के ही गुण आवश्यक है। इसीलिए इसमें कोई भी सुपरफ्लूअस या सप्लीमेंट्री नहीं है। तो यह पहला। दूसरा अपना जो यानी धर्म के परिप्रेक्ष्य में जो ये है कि जैसे हमने देखा कि हमारे विस्तारित स्वरूप है और अल्टीमेटली यह अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, यानी मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं ईश्वर स्वरूप हूँ। तो वह जो मेरा चेतना स्वरूप है, उस चेतना स्वरूप को जानने के लिए ये जीवात्मा
बार बार जन्म लेता है, और जब जन्म लेता है तब वह कभी पुरुष का जन्म लेता है, कभी स्त्री का जन्म लेता है। इसका मतलब आत्मा को कोई लिंग नहीं है, आत्मा कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग पुल्लिंग ऐसा नहीं है। यानी भाषा में हो सकता है हम आत्मा कहाँ खो गई वगैरह ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन आत्मा को लिंग नहीं है। तो हम जो शरीर धारण करते हैं, हम जिन माता पिताओं को माता पिता लेकर जन्म लेते हैं, हम जिस परिवेश में जन्म लेते हैं, क्योंकि हमें वहां कुछ योगदान करना है, हमने वहां कुछ विशेष सीख लेनी है, कुछ विशेष आत्मविकास करना है इसके लिए। इसलिए यदि स्त्री के जीवन में जन्म लिया है तो उसका मुझे अभिमान है, ये मेरी आवश्यकता है, इससे मैं जीवन में मेरा आत्मविकास और अच्छे प्रकार से कर सकती हूँ। इसमें कम ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, पुरुष है या स्त्री है, ये बात ही नहीं है। जैसे शरीर में हम ये कह नहीं सकते हैं कि हृदय महत्व का है या मस्तिष्क यानी ब्रेन महत्व का है, दोनों का अपना अपना स्थान है, अपना अपना प्रयोजन है। तो यह और एक तत्व, इतना लेते हुए यदि हम स्त्री जीवन यानी नारीत्व के तरफ देखते हैं तो भारत में हम दो प्रकार से इस विषय को देख सकते हैं। एक तो ऐसा है यानी तत्वतः हमने स्त्री को नीचा नहीं देखा है, क्योंकि हमारी दृष्टि जो है, जीवन दर्शन जो है वो एकात्म है। इसीलिए तत्व लेकर यानी स्त्री बड़ी या पुरुष बड़ी ये लेकर कोई विवाद में जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि भारत में जो अनेक आक्रमण हुए, भारत को जो अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, और बहुत बार ऐसे जब हम सतत स्व संरक्षण में लगे रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वार्थी होते हैं, हम डीजनरेट होते हैं, हमारी अवनति होती है, क्योंकि सतत हम स्व संरक्षण में हैं, हम दूसरा कुछ सोच ही नहीं पा रहे। तो ऐसा जो एक ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल बैगेज कहते हैं, ये जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, उसके कारण बहुत यानी स्त्री जीवन में हम कमियां देखते हैं, यानी स्त्री जीवन की समस्याएं हैं, और वो समस्याएं हैं तो उसके लिए निश्चित रूप से हमें कार्य करना है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, हमें कार्य करना है। क्वचित यदि जरूर पड़े तो हमें संघर्ष भी करना है, लेकिन संघर्ष ये एकमेव माध्यम स्त्री जीवन की या नारीत्व की समस्याएं दूर करने का नहीं है, क्योंकि संघर्ष से सारी समस्याएं छूटेगी और समाज में समरसता आएगी ऐसा संभव नहीं है, जहां आवश्यक है वहां जरूर करना है। तो ये दो अप्रोच रखते हुए कि तत्वतः स्त्री ऊंचा नीचा ऐसा कुछ नहीं है, जितने समाज धारणा के लिए, राष्ट्र पुनरुत्थान के लिए पुरुष के कर्तृत्व की आवश्यकता है उतने ही स्त्री की है। जैसे स्वामी विवेकानंद को किसी ने पूछा था कि व्हाट इज योर मैसेज फॉर वीमेन, तो स्वामी जी ने कहा भाई इट इज सेम एज इट इज फॉर द मेन, बिलीव इन यूर सेल्फ, बिलीव इन यूर पीपल, बिलीव इन यूर कंट्री एंड वर्क फॉर दैट, दैट्स ऑल। सो वी हैव टू बिलीव इन आवर सेल्फ, वी हैव टू बिलीव इन आवर कंट्री, वी हैव टू बिलीव इन आवर पीपल, क्योंकि हजारों हजारों साल से ये समाज चलता आ रहा है, ठीक है कुछ गड़बड़ियां दिखती है, लेकिन इसका मतलब हमारे लोग खराब है ऐसा नहीं है, हमें इसको दूर करना है, सबको अपनाते हुए हमें कार्य करना है। तो यह तीन विश्वास रखते हुए स्त्री ने कार्य करना है। तो अभी इसमें जो इश्यू आता है कि हम स्त्रियों के लिए जब कार्य करते हैं, यानी एग्जैक्टली हम क्या चाह रहे हैं, यानी जैसे स्त्री मुक्ति आंदोलन में वो स्त्री को मुक्त करना चाहते हैं अनेक बंधनों से, जैसे वो कहते हैं परिवार बंधन है, संस्कृति बंधन है, फिर धर्म बंधन है, तो सारे बंधनों को तोड़कर बाहर आओ। हम कहते हैं कि नहीं, पुरुष हो या स्त्री हो, हम सारे इस कर्तव्य से इन सब से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सारे परस्पर संबंधित परस्परावलंबी है, इसलिए बंधन से बाहर आने की बात ना स्त्री के लिए है ना पुरुष के लिए है। लेकिन जो स्वातंत्र्य की हम अपेक्षा करते हैं, वो स्वातंत्र्य ये है कि हम सब ने जो जन्म लिया है वो इस समाज और राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा योगदान करने के लिए जन्म लिया है, तो मैं कौन से मार्ग से योगदान कर सकूं, इसका स्वातंत्र्य हर स्त्री को होना है। यानी इसमें कोई स्टीरियोटाइपिंग नहीं हुआ होना है कि अरे हाँ आप यदि बहुत अच्छा करियर करती है
तो ही आप अच्छा योगदान कर रही है, या आप गृहिणी है तो ही आप अच्छा योगदान कर रही है, ऐसा स्टीरियोटाइपिंग नहीं होना है। तो हर स्त्री को उसके स्वभाव के अनुसार जो मार्ग स्वीकारते हुए योगदान करना चाहती है वो योगदान करने का स्वातंत्र मिलना है। जैसे मैं विवेकानंद केंद्र की जीवन वृत्ति कार्य करती हूँ, यानी मैंने, मुझे संभव था, मैं कॉलेज में यानी मेरिट स्टूडेंट थी, मुझे सारी स्कॉलरशिप थी, चाहती थी तो मैं वहां भी जा सकती थी, कोई भी मार्ग चुन सकती थी, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मेरे स्वभाव के लिए मेरी जो आंतरिक इच्छा है वो ऐसी है कि मैं पूर्ण रूप से मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं। और उसी समय मुझे वनवासी क्षेत्र में काम करने का भी बहुत आकर्षण था, तो मैंने विवेकानंद केंद्र के बारे में पढ़ा और मैं यहाँ जीवन व्रती करके आई। यानी यदि किसी स्त्री को लगता है कि मैंने ऐसा कार्य करना है, उसका उसका भी समाज ने आदर करना है, किसी को लगता है मैं परिवार भी संभालूंगी और बहुत अच्छा, मैं अच्छा इस क्षेत्र में मेरा ज्ञान है, मैं उसमें योगदान करूंगी, यानी मैं कोई अच्छा जॉब करूंगी, उसके लिए भी उसको स्वतंत्र होना है। या कोई कहती है कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छी साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ और मैं विवाह के बंधन में भी बंधना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं उसी रिसर्च में जाना चाहती हूँ, तो उसका भी आदर करना चाहिए। यानी जो स्वातंत्र की बात कर रहे हैं वो नारी की समाज धारणा में, सामाजिक राष्ट्र पुनरुत्थान में उसका जो योगदान है वो योगदान करने का मार्ग स्वीकारने का स्वातंत्र, ये स्वातंत्र हर स्त्री को होना है। फिर जब हम कहते हैं कि स्त्री की सहभागिता बढ़नी चाहिए, जब स्त्री की सहभागिता बंद हो गई, जो भी ऐतिहासिक कारण थे, उसकी शिक्षा बंद हो गई, वो घरों में बंद हो गई, और ऐसा जब हो गया तो स्त्री के जो विशेष गुण है, जो समाज के लिए चाहिए, राष्ट्र के लिए चाहिए, वह गुण मिलने नहीं, यानी उपलब्ध नहीं रहे। और उतना ही नहीं, स्त्री का समाज में राष्ट्र के विषय लेकर सोचना जब बंद हो गया, तब घरों में भी बच्चों को बड़ा करते समय राष्ट्रबोध छूट गया, या सामाजिक जो एक कंसर्न होना है वह भी छूट गया। तो वो बच्चों को सिर्फ बच्चों ने अच्छा पढ़ना है, अच्छी नौकरी करनी है, अच्छा सेटल होना है, मेरे बच्चे इतना करते हैं तो मातृत्व होने लगे, जो नहीं होना चाहिए। यानी अपने जीवन में सामाजिक परिप्रेक्ष्य चाहिए, राष्ट्र का परिप्रेक्ष्य चाहिए, पूरे मानव जाति के लिए हमारा योगदान होना है, ये चाहिए। तो इसीलिए स्त्री का ये जो समाज बोध है, राष्ट्र बोध है, वह भी रहना चाहिए, चाहे वो जो जिस भी मार्ग में जाए, और वह राष्ट्र के लिए योगदान करे, यानी उसकी सहभागिता सब क्षेत्र में बढ़े। जब हम कह रहे हैं उसकी सहभागिता बढ़े, ये फिर से कंपटीशन के लिए नहीं है, पुरुष करता है इसलिए स्त्री करेगी, ऐसा नहीं है। स्त्री को अंदर से जो करने की इच्छा हो रही है वो करने का स्वातंत्र्य उसको मिले। अभी जब हम कह रहे हैं उसकी सहभागिता बढ़नी चाहिए, तब निश्चित रूप से सामाजिक वातावरण भी वैसा होना है। जैसे कल मैं थोड़ी देर के लिए सुन रही थी और मुझे जितना गुजराती समझता है तो मुझे ऐसे लगता है कि इलाबेन ने बहुत अच्छी बात बताई कि अपने देश में पहले तो ऐसी स्थिति थी, मैंने भी काम किया है, बहुत प्रवास करती हूँ, तो हमें कभी टॉयलेट भी जाना है तो हमारे लिए वो उपलब्ध नहीं होते, यानी ऐसी कोई जगह ही नहीं होती है। यानी स्त्री ने आज समाज में काम करना है तो एक ये छोटी सी एक सुविधा है, ये सुविधा की भी कमी होती है। तो ऐसी कोई सुविधाएं या समाज का ऐसा कोई वातावरण, ये तो एक बहुत सामान्य पहले स्तर का हो गया। दूसरा ऐसा भी है कि इसमें स्त्री की सुरक्षा, ये भी महत्व का है, क्योंकि जब ये इस काम में निकलती है, समाज में भी काम करती है, तो स्त्री को सुरक्षा मिलनी चाहिए। ओवरऑल यदि हम बाकी देशों की तुलना में देखते हैं तो भारत में आज भी स्त्री ज्यादा सुरक्षित है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाती हूँ, मैं वनवासी क्षेत्र में जाती हूँ, मैं अकेली ही प्रवास करती हूँ। वहां जाने के बाद उस क्षेत्र में जो कार्यकर्ता होते हैं वो मेरे साथ निश्चित होते हैं, लेकिन जो प्रवास है, बहुत बार ऐसा होता है ट्रेन बीच में रुक गई, कुछ हो गया, ऐसे भी अनुभव बहुत है। लेकिन मैंने आज तक देखा है कि कोई ना कोई आके बहुत सहजता से मदद करके चला जाता है। यानी आज भी अपना समाज जो है वो केयरिंग है,
And those who are interested, they can also see United Nations means UNO document means UNODC.org. इसमें सेक्सुअल वायलेंस डालते हुए हम देख सकते हैं कि पर 100,000 हर देश की एवरेज क्या है. किसी देश की 24 है, किसी देश की 54 है, किसी देश की 28 है, और भारत में आज भी वो 1.8 है. यानी पर 100,000 स्त्रियों के ऊपर के जो अत्याचार है. क्योंकि स्त्रियों की सुरक्षा जो है वो ना पुलिस ज्यादा बढ़ाने से होती है, क्योंकि अमेरिका वगैरह की तुलना में देखा जाए तो भारत में पुलिस बहुत ही कम है. यानी 7,00,000 गांव है लेकिन सिर्फ 12,500 पुलिस स्टेशन है. आप कल्पना कर सकते हैं. पुलिस बढ़ाने से स्त्री की सुरक्षा नहीं है, स्त्री को ढक्के रखने से स्त्री की सुरक्षा नहीं है, स्त्री को कन्फाइन करके रखने से स्त्री की सुरक्षा नहीं है. स्त्री की सुरक्षा ये पुरुषों की नजरों में है, और पुरुषों की नजर ये संस्कारों से निश्चित होती है, और ये संस्कार माँ बचपन से अपने बेटा और बेटी दोनों पर करने चाहिए. मैंने ऐसे घर देखे है और मुझे इतना आनंद हुआ कि जब मैं उस घर में बैठी थी और कोई मजाक कर रहा था, जो आते हैं ना व्हाट्सएप में सारे जोक्स कि पत्नियों के बहुत सारे मजाक उड़ाते हैं, तो वो जो पत्नी थी, दोनों केंद्र के कार्यकर्ता थे पति पत्नी, तो वो पत्नी ने पति को बताया बिल्कुल ये जोक तुमने जोर से पढ़ के सुनाना नहीं है, क्योंकि अपने बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको लगेगा कि पत्नी ये उपहास करने के लिए मजाक उड़ाने के लिए ही होती है, ऐसा बिल्कुल करना नहीं है. यानी इतनी छोटी छोटी बातों में यदि सजग रहते हैं, जैसे और एक स्वामी हैं, स्वामी सत्यरूपानंद, रायपुर के रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी, तो एक बार वो मुझे ये घटना बता रहे थे, और जिस प्रकार से उनके आंखों में आंसू आए वो उनके ही बचपन की कहानी घटना होनी है. वो बता रहे थे कि 6 बरस का बेटा आंगन में खेल रहा है और उसकी जो दीदी है गीता, उसकी सहेली आई तो ये जोर से चिल्लाया, गीता दीदी सरला आई है. तो माँ जो आंगन में कुछ धान कूट रही थी, माँ गई और उसने बेटे को जोर से थप्पड़ लगाई. माँ बोली सरला बोल रहा है, सरला दीदी बोलता है तुमको. तो वो बता रहे थे वो जो थप्पड़ उस बच्चे को लगी उसको सारी स्त्रियां ये दीदी और माँ जैसे दिखने लग गई. यानी ये संस्कार है. तो ऐसे संस्कार होते हैं तो पुरुषों की नजर ठीक रहती है, नजर ठीक रहती है तो स्त्री सुरक्षित रहती है, और स्त्री सुरक्षित रहती है तो ये जो सहभागिता उसने जो उसकी बढ़ानी है राष्ट्र पुनरुत्थान में वो निश्चित रूप से बढ़ा सकती है. इसीलिए धर्म के परिप्रेक्ष्य में हम सबको ही अपने यानी धर्म निभाना है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसमें कोई फर्क नहीं है. ऐसा नहीं है कि स्त्री ने ही समर्पण करना है, पुरुषों से भी उतने ही समर्पण की अपेक्षा हम धर्म में करते हैं, क्योंकि हम परिवार के अंग है, परिवार के प्रति समर्पित होना है, समाज के अंग है, समाज के लिए अपना थोड़ा बहुत तन मन धन यानी समय ऊर्जा और थोड़ा धन समाज के अच्छे कार्यों के लिए लगाना है. इस राष्ट्र यह राष्ट्र जो है, इस राष्ट्र ने पूरे मानवता को बहुत यानी मानव विकास में बहुत योगदान किया है और आज भी उसको करना है. इसीलिए इस राष्ट्र के विचारों का प्रवाह सतत बहता रहे उसके लिए भी अपना योगदान देना है. तो चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों को भी इस प्रकार से यानी स्वातंत्र ये उपभोग का स्वातंत्र नहीं है, ये योगदान करने का मार्ग चुनने का स्वातंत्र है, और ये हर एक को होना है. तो इतना कहते हुए, विषय के बारे में कहते हुए, जो आमी बेन ने मुझे प्रश्न पूछा था कि संघर्ष क्या रहा, एक्चुअली सही रूप से मैं बताऊं तो कोई भी संघर्ष हो उसमें सच में कुछ बाधा होती है तो हम स्वयं होते हैं. यानी मैं किस चीज को कैसा लेती हूं इस पर मुझे उस मार्ग की समस्या है. वह समस्या तो होती है, जैसे कल ही मैं अभी कुछ अनुभव लिख रही हूं मेरे यानी काम के कार्य के, क्योंकि अभी कोरोना के शटडाउन में बैठे हैं तो एक पुस्तक के लिए यानी पहले तो वो हमारे मैगजीन में आएगा, तो मैं एक एक अनुभव ऐसा लिख रही हूं. कल ही मैं वो अनुभव लिख रही थी कि हमने यहाँ संस्कार वर्ग शुरू किए और वो संस्कार वर्ग चलाने के लिए यहाँ से ही गांव की कुछ लड़कियां थी जो पहले यहाँ चरखा यूनिट चलाते थे उसमें आती थी, टेलरिंग क्लास में आती थी,
उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। फिर एक बार रेसिडेंशियल ट्रेनिंग का सोचा और वो आई तो एक लड़की तो बहुत डर के आई, बोले उसको पिता नहीं थे, भाई ने अनुमति नहीं दी और वो माँ को बता के आ गई। लेकिन शाम को उसका भाई आ गया, पूरा पिया हुआ था, और मैं उनको समझा रही थी कि हम सारी बहनें हैं, उनके साथ है, सारी सेफ है। तो उसने मुझे फटाक से सुना दिया कि आपके जैसी मेरी बहन रास्ते पे नहीं आई है और रास्ते पे नहीं रहेगी। तो ये जो था, अभी ये मैं बहुत अंदर तक लेके उसके ऊपर दुख भी कर सकती हूँ, या मैं ये भी सोच सकती हूँ कि ठीक है ये आज समाज की ये स्थिति है। लेकिन आखिर वो मुझे समझ कर ही धीरे धीरे उनके ये सारे जो प्रेजुडाइसेस है वो दूर हो जाएंगे। ऐसे अनेक है, लेकिन मुख्य रूप से बाधा हम स्वयं होते हैं। यानी जब मैं ये कार्य करने के लिए निकली हूं, इसका अर्थ ही है मेरे समाज में आज कुछ कमी है, वो दूर करना है, उसके लिए मैं काम कर रही हूँ। समाज में आज कुछ बातों के बारे में, चाहे वो स्त्री के बारे में हो सकता है, समझ की कमी हो सकती है, और ऐसे समय जब मैं काम करने जाती हूँ, क्योंकि अभी कुछ बरस, यानी जैसे 100 बरस, दो हम कह सकते हैं 300, 400, 500 बरस शायद स्त्री ये काम नहीं कर रही थी, अभी करने लग गई है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ पुरुषों को ये सहन नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा है, ये बदलने के लिए ही तो हम काम कर रहे हैं। तो ऐसा जब होता है, उससे हम यदि नाउमेद हो जाते हैं, या हम गुस्से में आ जाते हैं, या हम संघर्ष के मोड में आ जाते हैं, तो हम लोगों को अपना कैसे पाएंगे। इसीलिए यानी संघर्ष मानने से वो संघर्ष है, और हर इसमें, हर मार्ग में सच में जो बड़ी समस्या होती है हम स्वयं होते हैं। बाकी बाहरी समस्या तो हम अपने लगन से, हम अपने आत्मीयता से धीरे 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 उसको बदल सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर यदि वो लगन नहीं है, वो आत्मीयता नहीं है, तो हम उस समस्या को नहीं सुलझा सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे अनेक अनुभव है, यानी वनवासी क्षेत्र में वगैरह भी काम करने के, लेकिन एक मैंने देखा है कि अपना समाज जो है ये साधारण समाज नहीं है। ये हजारों हजारों बरस विश्व का कल्याण हो ऐसी कामना करते आया हुआ समाज है, और इसीलिए जब हम डटे रहते हैं तो अपना समाज स्त्री का भी आदर करता है, त्याग का भी आदर करता है, और वह अपनाता भी बहुत सहजता से है, मदद भी करता है, सहायता करता है। तो इसीलिए हमने डटे रहना अपने मार्ग पर, जो हमने मार्ग चुना है, और मैं कितनी इंटीग्रिटी से इसमें काम कर रही हूं, यानी मैं जो बोलती हूँ वो मैं कर रही हूँ क्या, मैं जो सोचती हूँ वैसा ही मैं हूँ क्या, यानी दिखाने के लिए एक अंदर एक ऐसा न होते हुए ऐसा यदि हम काम करते हैं, तो आज भी सिर्फ इसी नहीं, मुझे लगता है पूरे विश्व में ये जो ट्रांसपेरेंसी है, इंटीग्रिटी है, और जो सद्भाव है, इसको नकारने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं, तो इसका स्वीकार ही होता है। तो इस प्रकार से डटे रहते हुए यदि हम अपने मार्ग पर आगे जाते हैं, तो जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ए बर्ड कैनॉट फ्लाई विथ वन विंग, ही नीड्स टू विंग्स। और यदि पुरुष ही सारे कार्य में है और स्त्री सिर्फ परिवार का ही विचार कर रही है, तो अपना समाज और राष्ट्र आगे नहीं जा सकता है। तो हम भी समाज बोध से, राष्ट्र बोध से कार्य करें। चाहे मैं गृहिणी हो सकती हूँ, लेकिन मैं मेरा थोड़ा समय समाज के लिए दूं, मैं मेरे बच्चों में वो राष्ट्र बोध का संस्कार दूं, ऐसा कार्य हम सब करें। इतनी ही प्रार्थना के साथ मैं समाप्त करती हूँ। निवेदिता दीदी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं। जैसे जैसे आप बात कर रहे थे, हमारे पास व्यूअर्स के इतने सारे प्रश्न आ रहे थे, पर आपकी काफी बातों में उसके जवाब भी मिलते गए हमें, और फिर भी काफी प्रश्न है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पर प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले मेरा सबसे पहला प्रश्न प्रोफेसर अमी उपाध्याय मैम, हमारे वाइस चांसलर मैम है, उनसे एक श्रोता जो जर्मनी से है, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है मैम, जो कि हमारी सीरीज शुरू हुई तब से लेके अभी तक को रिलेट करता है। हमने देव वन से बात की तब हमारे साथ दीपिका जी थी, विभावरी बहन थी, कल ईला बहन थी, आज निवेदिता जी हैं, और तो उनका कहना है कि पौराणिक समय से नारीत्व के महत्व के बारे में जो काफी सारी बातें हुई हैं, आज भी उसकी इम्पोर्टेंस की बात हुई है, तो फिर भी व्हाई डू वी नीड विमेन एम्पावरमेंट इन करंट एरा, करंट मॉडर्न एरा ही सिंग।
दूसरा, बहुत लंबे टाइम से अगर ये विमेन एम्पावरमेंट का इश्यू चल रहा है, इसका क्या ये अर्थ होता है कि सोसाइटी में आज भी कुछ कमी है, हमारे सिस्टम में आज भी कुछ कमी है? अभी भी स्त्रियां हैं, वो नारी, एक नारी दूसरी नारी से अपनी कंपैरिजन करती है, वो कई बार अपने एक्सप्रेशन नहीं दे पाती। तो ये सब बाबतों को टच करते हुए मैडम, मैं आपसे इसके उत्तर की अपेक्षा करती हूँ, मैडम अमी उपाध्याय जी। Yes, I think I saw that question in question answer, and question is asked by Mr. Jay from Germany. I could read that. Yes, Jay, as you have asked question in English, I would respond in English. First of all, when we talk about women empowerment, it is not a woman empowerment or the woman empowerment, it is women empowerment. Women empowerment is not a destination, it is a process. If we talk about men empowerment, I feel that today even the men are not empowered completely. Whatever possibilities they are having within them, unke andar jo sambhavna hai, wo bhi puri bahar nahi aa rahi hai. Dusri baat, why women empowerment required today? You see, the wo matra hai that is getting, you know, decreased day by day. Even the interpretations of women empowerment have lot of many faces. So, पहली बार के why do we require women empowerment? Though we have been, I would tell that Meera was, you know, empowered woman, as दीदी ने बताया कि आज अगर मैंने समाज, मैंने सोचा कि मैं वनवासी में जाके काम करूंगी, तो she is an empowered woman, she took her own decision. मीरा ने सोचा था मैं महारानी होकर मंदिर में जाके मैं कृष्ण की भक्ति करूंगी, तो उसने अपना निर्णय लिया. So, till the time, from the time of Meera, Draupadi, we have been empowered. We are empowered, but still, have we reached to the last woman? Aaj, for example, Dr. Baba Sahib Ambedkar Open University is working for the people, women at the periphery. So, aaj, wo periphery pe jo woman hai, does she realize potential within herself? Aaj, usme jo sambhavna hai, shakti hai, usko realization hua hai? उसने कभी सोचा है कि आज मैं अपने लिए, खुद के लिए कर सकती हूँ, अपने बेटे को संस्कार दीदी ने बता दे सकती हूँ, मैं राष्ट्र के लिए भी कुछ एक घंटा अपने आप निकाल सकती हूँ, आई कैन कंट्रीब्यूट? तो दैट रियलाइजेशन इज रिक्वायर्ड. और आज अगर मैं शहर में, अच्छे बड़े शहर में बैठी हूँ, आप जर्मनी में है, तो हो सकता है आप जो कंपनी में काम कर रहे, यू विल जज बाय द वुमेन अराउंड यू, आई विल जज बाय वुमेन अराउंड मी. बट नो, when we talk about women, there are lot many women, huge chunk of women at periphery. So yes, women empowerment is realized when a woman at last in the periphery uses her complete potential for the growth and development of nation, rashtra. So it is a journey, not destination. And it will continue after decades also. Thank you. I hope I have answered your question, dear. थैंक यू वेरी मच मैम. मैम, मुझे बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि मेरे पास आज फेसबुक को व्हाट्सएप के रूप में भी प्रश्न आ रहा है, मेरे पास व्हाट्सएप में प्रश्न आ रहे हैं, जूम पे प्रश्न आ रहे हैं, फेसबुक पे काफी लोग कमेंट कर रहे हैं. दीदी, आपने काफी प्रश्न थे जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, थोड़ा सा आर्थिक और सामाजिक भूमिका, नारी की सामाजिक आर्थिक भूमिका और उसकी ग्रोथ के बारे में काफी प्रश्नों का जवाब दिया. हमारी यूनिवर्सिटी की काफी बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं, लगभग सभी. उनमें से एक प्रश्न है, प्रियांकी जी, डॉक्टर प्रियांकी जी, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि निवेदिता दीदी, क्या आपको कभी साक्षात्कार हुआ है किसी भी स्वरूप में जब आप ये कार्य कर रही हैं? तब हम आपसे इस बात की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं. साक्षात्कार कोई भी दैवीय शक्ति का, ईश्वरी स्वरूप का, या ऐसा कुछ भी जब आप काम करते हैं तो ऐसा कोई साक्षात्कार नहीं? लेकिन दरिद्र नारायण नहीं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि ये समाज में एक ईश्वरीय शक्ति है, इसकी अनुभूति मुझे बहुत बार होती है. दीदी, काफी प्रश्न है जो आप विवेकानंद केंद्र के साथ जुड़ी हैं. तो विवेकानंद केंद्र में जब हम बात करते हैं तो गुरु रामकृष्ण परमहंस जी की और उनकी पत्नी शारदा देवी जी की बात होती है. तो परमहंस जी के जीवन में शारदा देवी का क्या प्रदान है, उनका क्या योगदान है, आप उसके बारे में कुछ बताइए. जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, या हम भी सब मानते हैं, कि श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन का एक प्रयोजन तो यही था कि स्त्रीत्व जो है, नारीत्व जो है, वो उसके अपने आध्यात्मिक शक्ति के साथ पुनः प्रतिष्ठित करना.
तो उन्होंने अपनी सारी जो साधना की थी वो उन्होंने शारदा माँ को समर्पित की थी और उनकी स्वयं पूजा की थी। दूसरा ऐसा था कि सारे यानी जैसे स्वामी शिवानंद है, स्वामी विवेकानंद है, स्वामी अखंडानंद है, यानी एकदम इतने बड़े सारे आध्यात्मिक पुरुष, लेकिन माँ का एक एक शब्द का वो पूरा सम्मान करते थे। यानी स्वामी विवेकानंद के बारे में उनकी एक शिष्या है, उसने लिखा है कि जिनको हमने एक सिंह जैसे देखा था अमेरिका में, वो शारदा माँ के सामने एक बालकवत लेट जाते हैं, यानी वो साष्टांग नमस्कार करते थे, और जब तक माँ उनको उठो नहीं बोलती थी तब तक वो उठते नहीं थे, और कुछ भी यदि उन्होंने निर्णय लिया और बाद में माँ ने यदि वो बदल दिया तो वो पूरी श्रद्धा से उसको स्वीकार लेते थे। यानी वो कहते भी थे, अरे अच्छा तुम तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए ऐसा। यानी ये जो एक स्त्री और पुरुष में यानी कमी ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे पुरुष ईश्वर को प्राप्त कर सकता है स्त्री भी कर सकती है, ये उन्होंने प्रतिष्ठित किया। और स्वामी विवेकानंद एक जगह कहते हैं कि जब फिर से अपने समाज में गार्गी मैत्रेयी वगैरह जैसी स्त्रियां फिर से उठकर खड़ी होगी ऐसे विद्वत्ता के साथ, ऐसे दार्शनिक होकर, तब पूर्ण रूप से हम सारे स्त्रियों का उत्थान कर सकते हैं। आपने जो अमीबेन से प्रश्न पूछा था उसमें एक भाग था जो बाद में ये इधर प्रश्नों में भी मैंने पढ़ा कि नारी नारी के खिलाफ क्यों है, तो इसमें एक स्वामी विवेकानंद ने बताई हुई, क्योंकि मैंने अभी लायन बोला तो मुझे वो याद आया, बताई हुई बात बताती हूँ और एकदम सही है। स्वामी जी कहते थे वुमन इज ए लायनेस, ठीक है, वो सारी शक्ति है उसके अंदर, बट इफ यू प्रेस हर, इफ यानी आप यदि उसको दबाते हैं, यू डोंट अलाउ हर टू मैनिफेस्ट हर पावर, देन शी बिहेव्स लाइक ए फॉक्स बिकॉज यू डिडंट अलाउ हर टू बी लायनेस। तो अमीबेन ने एकदम सही कहा कि ये प्रोसेस है, ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है और ये चलता रहेगा, ये किसी एक स्त्री के एम्पावरमेंट की बात नहीं है, और ये सिर्फ स्त्री की नहीं है, ये पुरुष की ही है, ये हर एक ने अपनी संभावना समझ के कार्य करने का है। दूसरा ऐसा है कि स्त्री जो है ये स्वयं शक्ति स्वरूपा है, और जब हम कहते हैं वो शक्ति है, इसका अर्थ ही ऐसा है कि वो दुहेरी है, शक्ति हमेशा दुधारी होती है, यानी शक्ति से हम निर्माण भी कर सकते हैं, हम संहार भी कर सकते हैं, जैसे अग्नि है, अग्नि से हम निर्माण भी कर सकते हैं, संहार भी कर सकते हैं। तो यदि उस शक्ति का आदर नहीं होता है, जैसे अग्नि फिर से हम ले सकते हैं उदाहरण कि अग्नि का आदर नहीं करते हैं तो अग्नि जलाकर भस्म कर सकती है, यानी हमें उसका आदर करना है, जहां रखना है वही रखना है, जैसे रखना है वैसे ही रखना है। तो जिस प्रकार से केयरफुली हमने व्यवहार करना है वैसा ही करना है। तो शक्ति का यदि आदर नहीं होता है तो ज्यादा उसकी संहारक शक्ति ही बाहर आती है, जो निर्मिति करने वाली शक्ति है वो नहीं आती है, और इसीलिए अपने समाज में स्त्री का आदर करना इसके ऊपर बहुत जोर दिया गया है। निवेदिता दीदी, वो जो आदर करना है वो श्री रामकृष्ण परमहंस ने शारदा माँ के जीवन में दिखाया। थैंक यू दीदी। दीदी एक ध्रुवी आचार्य जी करके हमारे साथ जुड़ी है, उन्होंने प्रश्न डोमेस्टिक वायलेंस को लेके पूछा है। उन्होंने पूछा है कि आज भी कई स्त्रियां डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनती है, तो उन्हें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए इसके अगेंस्ट में? देखिए अभी ये विषय है ना कि अपने आप प्रोटेक्ट करने के लिए तो अभी लॉज भी है अपने पास, और उस लॉज के दुरुपयोग भी हो रहे हैं जिससे परिवार टूट रहे हैं। तो जैसे मैंने बहुत सारे जनजातियों के हमने सेमिनार कराए हैं और हर सेमिनार में मैं उपलब्ध रहती हूँ, हर विषय पे हमारी बहुत चर्चा होती है। तो उससे जो मेरे ध्यान में आया कि हमारे यहाँ जो कस्टमरी लॉज होते थे वो कभी भी व्यक्ति को नकार या किसी ने गलती की तो उस गलती को लेकर बातों को तोड़ने के लिए नहीं होती थी, तो उसको सुधार कर मींस द मेन पर्पस वाज टू मेंटेन द हार्मनी एंड पर्सन शुड नॉट फर्दर डिग्रेड बिकॉज वी ट्राइड टू पनिश हिम, सो द वेज ऑफ पनिशमेंट वेयर ऑल्सो डिफरेंट। तो हमारे यहाँ जो आज डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं हो रहा था, पहले भी हो रहा होगा, अभी भी हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए जो काम करना है वो पुरुषों में ज्यादा करना है,
यानी हर एक ने अपना धर्म समझना है। तो पुरुष यदि अपना पति धर्म ठीक से समझता है तो पत्नी के अधिकारों की रक्षा होगी। लेकिन यदि हम पत्नी को तुम तुम्हारे अधिकार लेकर झगड़ा करो इसके ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, यानी जहां बहुत वायलेंस हो रहा है वहां तो उसकी सुरक्षा करनी है, संघर्ष करना है तो संघर्ष करना है, जो लॉ बनाए हैं उसकी मदद लेनी है वो करने हैं। लेकिन जो लॉन्ग रेंज सॉल्यूशन की बात अभी अमी बेन ने की कि ये हमें ये करना है, तो हमारा जो अप्रोच है वो अप्रोच ज्यादा समन्वयात्मक होना है। यानी पुरुषों को अपने कर्तव्य के बारे में ज्यादा संस्कार कराते सिखाते हुए वो करते हैं तो स्त्री के अधिकारों की रक्षा होती है। तो इसीलिए ये मार्ग थोड़ा कठिन है, थोड़ा यानी शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये परिवार को समाज को जोड़कर रहेगा। हम यदि डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत ज्यादा ये लॉज वगैरह सारा ले जाकर बहुत ज्यादा उसका आधार लेकर कार्य करने लगते हैं तो बहुत सारे परिवार टूटने लगेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे स्त्रियों का देखा है कि कभी कुछ हो गया, पति ने गुस्सा किया, इसको भी गुस्सा आ गया, उसने भाई को बताया, भाई पत्नी को लेकर गया, और बाद में वो पत्नी चाहती थी, यानी उसकी वो भाई की बहन चाहती थी कि वो वापस अपने पति के साथ आए, पति भी चाहता था, लेकिन भाई ने बता दिया, यानी उसने अपना वो प्रेस्टीज इश्यू किया कि नहीं मेरी बहन नहीं जाएगी। और बाद में अभी उसने अपने बहन को भी, क्योंकि उसकी शादी हो गई भाई के बाद में, तो अभी वो भाई के घर में भी ठीक से नहीं रह सकती है। ऐसे अनेक उदाहरण, यानी ठीक है जब बहुत एक्सट्रीम में जाता है लॉज होने चाहिए, हमने संघर्ष भी करना है, स्त्री को कभी परिवार से उस परिवार से अलग भी करना है, यानी डाइवोर्स लेना है तो उसके लिए भी जाना है, लेकिन जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं ना उसका हम सामान्य नियम बना के सारे परिवारों को लगाने जाएंगे तो परिवार टूटने लगेंगे। इसीलिए हमें कुछ सोचना होगा। यानी निवेदिता दीदी, एक फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से एक प्रश्न आया है जो इधर नहीं है, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान में धर्म की क्या भूमिका हो सकती है। ये मंजू मिश्रा जी ने फेसबुक के माध्यम से देख के और व्हाट्सएप से मुझे भेजा है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। धर्म का सही अर्थ समझते हैं तो धर्म की तो पूरी भूमिका उसमें है, जो अर्थ मैंने शुरू में बताया। हम यदि धर्म को यानी क्या कहेंगे रूढ़ियों को लेते हुए यदि बात करते हैं तो धर्म को कोई भूमिका नहीं है, लेकिन धर्म यानी रूढ़ियां नहीं है। धर्म यानी यही है कि मेरा इस पूरे सृष्टि में सारी जो समष्टियां हैं उसके प्रति मेरा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन यानी धर्म है। तो धर्म ये लॉ से भी परे जाता है। यानी जैसे उदाहरणार्थ मैं रास्ते से जा रही हूं, एक बच्चा नीचे गिर गया रास्ते में, ठीक है मैं सीधा चली गई तो लीगली आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, ओके, बट धर्म मैंने मेरा धर्म तो तोड़ दिया है ना। मेरा धर्म तो ये था कि बच्चा गिर गया मैं दौड़ के जाके उस बच्चे को रास्ते से उठाऊं और उसको वहां लेकर जाऊं। सो धर्म हैज मच बिगर रोल टू प्ले इन अवर लाइफ, ओनली वी शुड नॉट रिड्यूस द मीनिंग ऑफ धर्म टू रिलीजियोसिटी, यानी पूजा करना, पाठ करना, मंदिर में जाना, ये सारा संयम के लिए आवश्यक है, अपने शरीर मन को एक प्रकार से अनुशासित करने के लिए आवश्यक है, जिसके कारण मैं धर्म का पालन कर सकूं, लेकिन ये धर्म नहीं है, पूजा पाठ करना धर्म नहीं है। एक आखिरी प्रश्न अब एक ले लेते हैं मैम, जो कि आपके स्क्रीन पे भी शायद होगा। योगेंद्र चौहान जी ने पूछा है कि क्या आपकी दृष्टि में आज हमारे देश में पुरुष और स्त्री समान है। आत्मीयता में समानता की बात नहीं होती है, एकात्म जीवन दर्शन में समानता की बात होती नहीं है, इसमें हमेशा आत्मीयता की बात होती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे मनुष्य शरीर में ब्रेन महत्व का है या हृदय महत्व का है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। यानी हम ऐसे कॉम्पिटिशन में जाना भी नहीं चाहिए, ऐसे कॉम्पिटिशन में ऐसे तुलना में जाने के कारण ही समस्या होती है। जैसे घर में हम देखते हैं, हम सबका अनुभव है, हम सबकी माता है, सवेरे से लेकर रात तक मेहनत करने वाली है, उन्होंने ही हमें सारे जीवन मूल्य दिए हैं। मैं आमी बेन के माँ को मिली भी हूँ और सच में वो ऐसी है, यानी और हम सबके ही अनुभव है। तो यदि हम ऐसे तुलना में जाने लगेंगे, जैसे उदाहरणार्थ शरीर में
ये हृदय कहता है कि ये देखो ब्रेन तो कभी कभी काम करता है, या ये पांव तो कभी कभी काम करते हैं, उनको तो आराम मिलता है रात में, मुझे तो आराम नहीं मिलता है, मैं 24 घंटे चल रहा हूँ तो ये तो अन्याय है, इसीलिए मैं थोड़ा 5 मिनट आराम करता हूँ। ऐसा यदि हृदय कहेगा तो बस समाप्त हो जाएगा। यानी ठीक है, मैं मेरे परिवार का हृदय हूँ और मैं हृदय हूँ, यदि मैं चलती रहूंगी तो ये परिवार चलेगा, इस स्वाभिमान से काम कीजिए ना। हम तुलना में क्यों जाते हैं कि ये इतना काम करता है, मैं इतना काम करती हूँ। यानी ये सिर्फ मैं स्त्री पुरुष के विषय में ही नहीं कहती हूँ, बहुत बार संगठनों में, शिक्षा संस्थाओं में ऐसा होता है कि कोई कहता है अरे ज्यादा मत काम करो, अच्छा काम करने से तुम्हारे सर के ऊपर और काम आएगा। अरे लेकिन हमने काम करने के लिए ही तो जन्म लिया है, ये कर्म योनि है, मनुष्य की योनि है, कर्म योनि है। तो मैं तो गर्व से कहना है कि अरे हाँ कुछ भी महत्व का काम है तो वो मेरे पास आता है, कितना आनंद की बात है। यानी ये तुलना में क्यों जाना है? हम तुलना में जाते हैं तो जब भी हम तुलना में जाते हैं हम दूसरों की कमियों से अपने विकास को सीमित कर देते हैं, क्योंकि हम फिर कमियां ही देखते हैं, वो नहीं करता है तो मैं क्यों करूं, वो ऐसा बोलता है तो मैं क्यों ना बोलूं, लेकिन मेरी क्षमता तो और बहुत अच्छी है तो मैं मेरे विकास को क्यों सीमित कर दूं। इसीलिए हमने इसमें तुलना में जाना नहीं है, ये क्या दोनों समान है, इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगी। यानी इसका यानी दूसरा प्रश्न ऐसा है कि अपनी अपना जो भारतीय समाज है, क्या वो स्त्री प्रधान है, क्या वो पुरुष प्रधान है? तो मैं कहती हूँ अपना भारतीय समाज ना स्त्री प्रधान है ना पुरुष प्रधान है, वो धर्म प्रधान है। कैसे? अभी उदाहरण देती हूँ कि जैसे समझिए पति पत्नी है, वो एक घर में गए क्योंकि वहां कोई बीमार है, ठीक है, मिलने गए, बहुत गरीब सा घर है तो वहां वो पेशेंट तो सोया है बेड पे और वहां एक ही कुर्सी है, ठीक है। तो अभी ये पति पत्नी दोनों गए हैं, समझिए हॉस्पिटल में ही गए हैं समझिए, और वहां एक ही कुर्सी है, तो अभी वो कुर्सी पे कौन बैठेगा? पति बैठेगा, है ना, पत्नी खड़ी रहेगी। अभी वहां से वो दोनों निकले, ठीक है, और बस में चढ़े, बस में चढ़ने के बाद बस में एक ही सीट है, अभी बस में कौन बैठेगा? अभी बस में स्त्री बैठेगी, पुरुष नहीं बैठेगा। तो ये स्त्री प्रधान पुरुष प्रधान ऐसे नहीं है, ये उस क्षेत्र में उस परिस्थिति में कौन क्या करेगा ये हमारे जीवन मूल्यों से निश्चित होता है। हमारी हमारा जो समाज है वो धर्म प्रधान है, वो ना स्त्री प्रधान है ना पुरुष प्रधान है। बहुत बार घर के ऐसे कुछ विषय होते हैं कि जो माताएं ही निश्चित करती है। मैंने आज भी, मैं बहुत प्रवास करती हूँ और प्रवास में घरों में ही रहती हूँ, तो प्रवास में कभी कभी वो पति आके मुझे कहता है आप थोड़ा मेरे बीबी मेरे पत्नी को बताइए ना, वो इतना बच्चों के पीछे होमवर्क करना चाहिए, इस क्लास में जाना चाहिए, उस क्लास में जाना चाहिए करती है, मुझे लगता है बच्चों ने खेलना चाहिए, लेकिन पति बोल नहीं सकता है क्योंकि बच्चों के पढ़ाई के बारे में माँ ही निश्चित करती है, वो क्या पहनेंगे क्या खाएंगे माँ निश्चित करती है, और कुछ निर्णयों में दोनों मिलके निर्णय लेते हैं और कुछ निर्णय में शायद सिर्फ पति ही निश्चित करता है। तो हमने इसमें न जाते हुए हम समन्वयात्मक भूमिका रखते हुए अपने परिवार का अपने समाज का संरक्षण कैसा कर सकते हैं? जो कमियां हैं उसके लिए काम जरूर करना है, लेकिन कमियों को लेते हुए सतत बात करते रहेंगे तो हमारी दृष्टि ही हमेशा कमियां ढूंढने की होगी और इसकी जो शक्ति है समाज की वो समझने से हम वंचित रह जाएंगे। निवेदिता जी आपका बहुत बहुत आभार। आवाबेन में एक कुछ सेकंड्स लूंगी। निवेदिता दीदी जी ने आज माता को याद किया तो मैं यहाँ जितने व्यूअर्स हैं उनसे एक बात करना चाहूंगी कि निवेदिता जी से जब मैंने, वो तो 2 मिनट के लिए मेरी माता जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ, तो वो माता जी को जब मैंने उनको फोन किया इस कार्यक्रम के लिए तो फोन रखने से पहले उन्होंने पूछा कि माता जी कैसी है, वो तो हार्डली फ्यू सेकंड्स मिले थे। तब मुझे एक चीज याद आई कि जब बुद्ध को उनके मित्र, वो बुद्ध बनने के बाद आते हैं तब उनके मित्र कहते हैं कि आज आप गांव में हैं तो आज शाम को मैं आपको सुनने आऊंगा, तो बुद्ध कहते हैं आने से पहले अपने भेड़ बकरियों को चरा कर आना। जब महाभारत का युद्ध होता है तब एक नेस्ट है, नेस्ट में अंडे है, बच्चे, ये सबका ख्याल वो कृष्ण को आता है। मुझे लगता है कि जब स्त्री संवेदनशील होती है, इस भूमिका में होती है, इतनी बड़ी जगह पर बैठे इतनी जवाबदारियों के साथ, लेकिन छोटी छोटी बातें सब ध्यान से कुछ भी नहीं जाता। आज दीदी ने याद किया इसलिए जब उस टाइम मेरे मन में आया था, मैं सारे व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ। मुझे लगता है जितनी स्त्री
हम यहाँ पर ऐसी जगह पर बैठे ज्यादा संवेदना से काम करें और ऐसे छोटी छोटी बातों से वी विल रियली एनरिच द वर्ल्ड. थैंक यू सो मच दीदी. थैंक यू मैडम. थैंक यू दीदी. अब हम कार्यक्रम के अंत की तरफ आगे बढ़ते हैं. लेकिन फिर से एक बात, किसी एक स्त्री ने ही मैडम एक बहुत अच्छी बात की है जो मुझे आज आप दोनों से बात करते करते हुए, वो एक लाक्षणिक वो जो बोलते हैं उसके दर्शन होते हैं. किसी ने कहा है कि अपने आप को संभालने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करें और दूसरों को संभालने के लिए दिल का. आप दोनों आज आप हमारे सामने हैं. आपने जिस हिसाब से मतलब आपने एक व्यूअर का मैसेज है कि आपने पूरे अपने जीवन का निचोड़ आज हमें एक घंटे में दर्शन करवाया कि आपने क्या क्या परिस्थितियां होती है. स्त्री होने के नाते राष्ट्र धर्म हमारा क्या होना चाहिए, राष्ट्र के लिए हमारी डेडिकेशन हमारा कैसा होना चाहिए आपने बताया. बहुत बहुत अच्छा लगा निवेदिता दीदी. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ. आज हम सब और हमारे जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो सबने एक वास्तविक रूप में एक स्त्री कैसी होनी चाहिए उसके दर्शन हुए हैं हमें. और जैसे मैंने शुरुआत में आपकी पहचान देने से पहले कहा था कि आज आप हमें विचार के समुद्र में लेके जाने वाली हैं. बिल्कुल, ये सेशन के बाद भी मेरे ख्याल से हम काफी घंटों तक और दिनों तक महीनों तक आपकी बातों को सोचते रहेंगे. और हमारे पास अगर हमारे व्यूअर्स के कुछ भी प्रश्न या कुछ भी आएंगे तो हमारी वाइस चांसलर मैडम की ओर से हम आप तक वो संदेश जरूर पहुंचाएंगे भी. मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारी प्रोफेसर, आदरणीय प्रोफेसर रामी उपाध्याय मैडम का, वाइस चांसलर हमारी यूनिवर्सिटी की, जो रोज एक नई प्रणेता को हमारे सामने रखती है और रोज हमें एक नया वो बोलते हैं एनर्जी भर देती है. मैडम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ. मैं वापस आभार व्यक्त करती हूँ सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, सारे पार्टिसिपेंट्स का जो रोज हमें सबको सुनने के लिए उत्सुक भी होते हैं और प्रश्नों के माध्यम से हमें बताते भी हैं कि हाँ हम सुन रहे हैं, हाँ हम आपके साथ हैं. और लास्ट में हमारी पूरी यूनिवर्सिटी के परिवारजनों का आभार व्यक्त करती हूँ जो हमें ये सब कार्य करने का मौका देते हैं. बस कार्यक्रम खत्म करने के पहले वापस एक बार सभी पार्टिसिपेंट्स को याद दिला दूं कि आम्बेडकर यूनिवर्सिटी हमेशा कटिबद्ध है एक नया इनिशिएटिव के साथ आपके सामने आने के लिए. गुजरात राज्य और इस माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लोगों के साथ जिनको अच्छे कार्यों के साथ जुड़ना है उनके साथ हम जुड़ने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी हमेशा का प्रयत्नशील भी है और कार्यशील है. हमारे एडमिशन ओपन है विविध कार्यक्रमों के साथ, विविध अभ्यासक्रमों के साथ. आप बिल्कुल इस कार्यक्रमों और अभ्यासक्रमों का लाभ उठाएं. हमारी वेबसाइट विजिट करें www.baou.edu.in. निवेदिता दीदी, खास एक इनिशिएटिव जो मैडम ने लिया था वो है स्पेशल लर्नर सपोर्ट सेंटर का जो हमारी यूनिवर्सिटी में कार्यरत है, और एक मॉडल लर्नर सपोर्ट सेंटर का. ओपन यूनिवर्सिटी में कैंपस के अंदर ही हम सब टीचर्स को मैडम ने कार्यरत रखा है. हम सब जो भी विद्यार्थियों को कहीं और से पढ़ाई का माध्यम नहीं मिलता हम उनका काउंसलिंग करते हैं. अत्री नामक स्पेशल लर्नर सपोर्ट सेंटर हमारी यूनिवर्सिटी में कार्यरत है जिसमें हम ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर, HIV पॉजिटिव जो भी लोग हैं, स्पेशल नीड्स वाले जो भी लोग हैं, जेल में जो हमारे भाई बंधु भगिनी जो हमारे साथ जो रहती हैं उन सबको पढ़ाने का बीड़ा हमने उठाया है. इवन वीर वधुएं जो है डिफेंस सर्विसेज की वीर वधुओं को पढ़ाने का कार्य भी हम लोग हमारी यूनिवर्सिटी के माध्यम से करना चाहते हैं. और हम प्रयास ये करते हैं कि इन लोगों के पास हमारी यूनिवर्सिटी चल के जाए. हमारी यूनिवर्सिटी कहती है कि समय और स्थान के बंधनों से मुक्त ऐसा शिक्षण, और वो करने के लिए हम कटिबद्ध है. और हमारा नेतृत्व सबल नारीत्व का दर्शन है इसलिए हमको बार बार ये प्रेरणा मिलती है कि हमें ये करना है. इस बात के साथ मैं यहाँ पे अंत पूर्ण विराम रखती हूँ. कल फिर मिलेंगे एक नए वक्ता के साथ. कल हमारे साथ जुड़ी है फाल्गुनी बसावड़ा जी. हम सब वापस मिलेंगे कल इसी समय इसी जगह. थैंक यू. वंदे भारत मातरम.